इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। बरेली से हैं सोनी जी, स्वागत है आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, आपका सवाल? जी। मेरा सवाल, मुझे हकीमियों से खाली बात करनी है बस जी। बात कर लीजिए। किससे बात करनी है सोनी? हेलो, इनसे बात करनी है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। इनसे बात करनी है, उससे बात करनी है? मुझे आपसे बात करनी है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं इतनी छोटी सी थी जब से मैं ट्राई कर रही हूँ, इतनी बड़ी हो गई, लेकिन आज तक कभी आपसे बात ही नहीं हुई। अच्छा, घर में सब लोग मजाक बनाते हैं, हमेशा फोन लगाती रहती है, लेकिन कभी बात ही नहीं होती। पता है, मैंने बिलीव करना बंद कर दिया था कि आपका लाइव शो आता है जी। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी बड़ी मुझे खुशी हुई है। सोनी, आपकी रियल खुशी जो माशाल्लाह, है, मैंने आपका जो भी नुस्खा बनाया अपनी अम्मी के लिए, मुझे हमेशा से फायदा मिला अम्मी को, और सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। जो आपका पेट था वो आप बनाती हैं, जीरा अजवाइन वाला, और भी बहुत सारी बातें, लेकिन मैं अभी आपसे नहीं कर सकती। लेकिन बस मुझे ये खुशी हो रही है कि मेरे आपसे बात हो गई। और मुझे ये पूछना है, जो पाकिस्तान है वो क्या लिसौरे का पता है? सपिस्तान लिसोड़े को कहते हैं, लिसोड़े के पत्ते को नहीं। लिसोड़ा आप दुकान पर पूछेंगे तो वो एक गोल गोल सा फल देगा, जो उसी को लिसोड़ा बोलते हैं। और कोई सवाल? आज आप देखिए, एक तो गवाह हो जाइए कि लाइव शो आता है, नहीं तो आपने जिस जिस से कहा हो कि लाइव नहीं आता, उसको सबको बोलना पड़ेगा कि नहीं लाइव आता है। और कोई सवाल हो तो आज कर लीजिए, पता नहीं फिर कब आपकी कर। पता नहीं मेरा कभी नंबर लगेगा नहीं लगेगा, मुझे खुद यकीन नहीं है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सोनी क्या करती हैं आप? मैं अभी तो कुछ नहीं कर रही हूँ, बस घर में ही हूँ। पढ़ती कैसे? नहीं, हैं? शादी हो गई? माँ बाप का ख्याल अभी रखती हैं? शादी नहीं हुई, पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, आज खूब बात कर लीजिए, आपको सारा टाइम दिया जा रहा है। हाँ, मैं बहुत देर से वेट कर रही थी, मैंने खाना खा रही थी, बाई चांस लगाया हूँ, मैंने खाना भी छोड़ दिया क्योंकि आप से बात करनी है। हर सलाम बार आपको। ट्राई करती हूँ, हर बार। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज, फिर अल्लाह बात करेंगे, और भी लोग वेट कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम देखिए दर्शकों, यही तो सेहत और ज़िंदगी कार्यक्रम की खासियत है कि यहाँ पे आप लोग इमोशनली इतने ज़्यादा अटैच हैं, और आप लोगों की जब कॉल लगती है, आप हकीम साहब की जब आवाज़ सुनते हैं, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि आप महीने से सालों साल इंतज़ार करते हैं हकीम साहब से बात करने के लिए। बेशक दर्शकों, मैं भी ये कहना चाहूँगी कि हम लोग भी इंतज़ार करते हैं, बहुत मुश्किल से हमें हकीम साहब का वक्त मिल पाता है। कोशिश लगातार यही रहती है कि बहुत सारे कॉलर्स हकीम साहब से बात कर ले, लेकिन समय की समय सीमा होती है, तो अगर आपकी कॉल नहीं लग पाती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं कुछ और कॉलर से। हमारे साथ अर्जुन है एमपी से, स्वागत है अर्जुन जी। जी नमस्कार हकीम साहब जी, अर्जुन भाई आता। जी सवाल था हमारी धर्म पत्नी के लिए, उनको लीवर में प्रॉब्लम है। जांच कराने पे पता चला कि उनको हेपेटाइटिस की शिकायत है, जांच में आया सर। तो डॉक्टर उनको एक गोली रोज खाने के लिए देते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए, और उनको एसिड, मतलब एसिडिटी बहुत बनती है सर, और पूरे मुंह में मतलब छाले ही छाले रहते हैं, और उठते से कितनी? कभी। उनकी उम्र है 43 साल, 43। ठीक। हाँ देखिए, ऐसे ही ख्याल रखिए उनका, और जो दवाई डॉक्टर दे रहे हैं वो दीजिए। लेकिन एक दवा आती है, एक जड़ी है और बड़ी अजीब सी है वो, जैसे क्या बताऊँ, बाहर से तो सफ़ेद सफ़ेद होती है, अंदर से हरी होती है, और इसे कहते हैं कुटकी। कुटकी आप समझ लीजिए, कुटकी आप लिख लीजिए, कुटकी लीजिए, ऐसे 100 ग्राम के करीब खरीद लीजिए, और गौन मोरिंगा 100 ग्राम, इन दोनों को पाउडर बना लीजिए। गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला लेना, और कुटकी बहुत कड़वी होती है, कुछ ज़्यादा ही कड़वी होती है। पहले मुंह में रखो तो कड़वी नहीं लगती, लेकिन बहुत देर तक रखो तो बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है।
तो ये दोनों मिलाकर आप ऐसे दो चुटकी रोज़ाना उन्हें खिला दिया करिए। दो चुटकी मतलब समझ लीजिए आधा ग्राम या उससे कुछ ज़्यादा होता है, और पानी पिला दिया करिए। ऐसा आप दिन में दो खुराक दे सकते हैं, और महीना दो महीना उन्हें खिलाइए। असर नज़र आ जाए तो फ़ौरन फ़ोन करके, अगर हमसे ही बात ना हो सके तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर पूरी बात बता के आगे की रहनुमाई ले सकते हैं। इसी के साथ निखिल हैं अगले कॉलर, स्वरूप नगर से। स्वागत है आपका निखिल जी। हेलो, हेलो हाँ जी बोलिए, प्रश्न क्या है आपका? ये सर, मेरे डिस्क में दिक्कत है। डिस्क में? हाँ सर, 1 साल पहले हो गई थी सर, L3 L4 में। तो फिर मतलब बैक बैक में दर्द रहता था। अब सर मैंने थोड़ा वजन वगैरह उठा लिया तो 3-4 महीने से फिर मेरे L4 L5 में भी हो गए। अब मेरी उल्टी टांग में सुनपन रहता है और घोटे के यहाँ से कट कट मतलब कटकता रहता है। तो सर अब मैंने थेरेपी करवाई थी, मतलब 60-70% आराम हो गया, लेकिन अगर अभी एक्सरसाइज नहीं करूँ तो वही दर्द हो जाता है। और अब सर सर्वाइकल भी मतलब उल्टा हाथ भी सुन रहे हैं लग गया सर, सर्वाइकल में भी दिक्कत आ गई सर। कभी नाड़ उम्र बता दीजिए अपनी, आयु आयु कितनी है? 21 साल। अरे आप तो बहुत ज्यादा कम उम्र हैं। आप देखो, एक तो वजन उठाना बिल्कुल छोड़ दें, नहीं तो ये बार बार होगा आपको। और कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाने के बाद खाएं, और जहाँ तक हो सके ये वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें। वज़न उठाना बिल्कुल छोड़ दें, बहुत कम उम्र है, अभी आप ठीक हो जाएंगे। अगर ज़्यादा उम्र तक ही रहा तो भी आदमी को बहुत खून के आंसू रुलाता है, इतना मर्ज बढ़ जाता है। यंग बच्चे जल्दी ठीक होते हैं, जल्दी भी ठीक हो जाएं तो 3-4 महीने दवा खाना, और वज़न उठाने की सबसे बड़ी पाबंदी है आप पर। चलिए, छत्तीसगढ़ से अगले कॉलर हैं, किलेश्वर जी हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी सर, जी बोलिए। मेरा वाइफ ये फिर हमेशा दर्द करते रहता है सर, दवाई वही खाती तो कोई असर नहीं कर रहा। एज क्या है उनकी? 30 साल। ठीक है, क्या दर्द होता है? सर में बहुत दर्द रहता है, दवाइयां खाती हैं तब भी असर नहीं तो है। देखिए, इस उम्र में और इस वक्त में सबसे ज़्यादा बीमारी जो पाई जा रही है वो सर्वाइकल की है, और ये कम उम्र लोगों को भी होता है। देखिए, ये एक्सरसाइज, ये उनको 2-3 मिनट रोज करनी है, चाहे 1-1 मिनट करके करें। और ऐसे 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 एक्सरसाइज करते रहें। हो सकता है दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़े, जो दवा खा रहे खाते रहिए। और उससे भी नहीं हो तो फिर आप कैप्सूल टी केयर रोज़ाना एक बार उन्हें खिलाया करें, लेकिन ये एक्सरसाइज 10 दिन से पहले बंद ना करें। 10 दिन में अगर कोई रिजल्ट आ जाए तो ये हमेशा अपने एक्सरसाइज जरूर किया करें। ग्वालियर से अगले कॉलर, मिसेज अग्रवाल, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्ते, जी नमस्कार। आदाब। हाँ जी, वो मेरे सिर में डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो रखी है और बहुत बाल झड़ते हैं अजीब सा, ठीक है जी। और खुजली भी हो रखी है सिर में बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है। आप देखें कि जो महिलाएं घर पे दूध में से बालाई और बलाई में से जो घी निकाल लेते हैं, ये घी आप रोज़ाना अपने सर में लगाया करिए। चाहे तो रात को लगाएं और सुबह को वॉश कर दें, या सुबह ही लगा लिया करें रात को वॉश कर दें। ऐसा आप 1 हफ्ते तक करें तो ये आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। मेरा बाल टूट रहा था, उसके बारे में पूछना था सर। का बाल झड़ रहा था सर का, अच्छा। पेट में दिक्कत इतना रह रहा था, पेट पेट पूरा खराब रहता है, गैस रहता है, पूरा एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है। हमारे उम्र 31 साल है। 31 साल में ये हाल है? अच्छा, ठीक है। देखिए, पेट ठीक कर लीजिए, बाल ठीक खुद हो जाएंगे। एक नुस्खा है जो आपके दोनों चीज़ों पर काम करेगा। देखिए, आंवला 200 ग्राम, आंवला सूखा मिलता है 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम नमक जैतून, ये नमक जैतून एक सफ़ेद रंग का नमक जैसा दिखने वाला रसायन है,
जैतून का रसायन कहते हैं या एस्टेक जैतून कहते हैं या नमक जैतून हम आसान जबान में कहते हैं। 100-150 ग्राम इसे मिलाकर पाउडर बनाए, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम खाया करें पानी से, आप देखेंगे ये आपके पेट के साथ दिमाग और बालों की भी खबर लेता है। पंजाब से अगले कॉलर प्रेम कुमार जी, स्वागत है आपका। प्रेम जी, बेटे के बारे में पूछना है, आईक्यू कम है। हाँ जी, आप पूछिए सवाल, लेकिन अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। बेटे का आईक्यू कम है, कितना वर्ष का है बेटा? 30 साल का है जी। ठीक है, 3 साल का बच्चा है अभी, आईक्यू कैसे देख रहे हैं आप उसका? देखिए, दो अखरोट रोजाना खिलाया करिए, 10 किशमिश के साथ, 5 सुबह 5 शाम, 5 किशमिश, 1 अखरोट सुबह और ऐसी शाम को। अखरोट जो छिलावा नहीं, घर में तोड़ के खिलाएं, एक तो ये इलाज है। एक माजून अखरोट प्राश भी आती है, वो आधा आधा चम्मच भी खिला सकते हैं दूध के साथ, बच्चे का ब्रिलियंट होना इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट कॉलर नरेश जी राजस्थान से, स्वागत है आपका। पेट में दर्द नहीं होती है, घुटनों में दर्द है, मोशन पास नहीं होता है खुल के, और पैरों में दर्द है। ठीक है, घुटनों में दर्द है। देखिए, मोशन के लिए दो नुस्खे बता रहा हूँ, अगर आप लिख लें तो बहुत अच्छा है, या रिकॉर्ड कर लें मेरी आवाज़, दोनों बातें की है, आपको बात समझने में आसानी हो जाएगी। 200 ग्राम आंवला सूखा मिलता है, 200 ग्राम आंवला, 200 ग्राम मेथी, 200 ग्राम सौंफ लें और इसको पाउडर बना लें, और 100 ग्राम मुश्किल से मिलेगा लेकिन मिल जाएगा नमक जैतून, ये सफ़ेद रंग का एक नमक जैसा दिखने वाला रसायन है जो नमकीन नहीं होता, 100 ग्राम ले लें, इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाया करें, फिर देखते हैं कि आपको कैसे मोशन नहीं होता। और ये पेट के निज़ाम के लिए बहुत अच्छा है, इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, किडनी के लिए बहुत अच्छा है, कब्ज़ एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा नुस्खा आप लिखें कि कौन स्याह मिल जाए तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं, और पानी से या बग़ैर चर्बी के दूध से या रईस हैं तो जूस से खाएं, आपको ये 100 ग्राम भी अगर मिल जाए तो ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त कर सकता है। पहले कॉलर हैं केडी छाबड़ा जी मंडली से, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। मेरे जो ये बीपी की बड़ी प्रॉब्लम आ गई। किस चीज की? बीपी। हाँ जी। हाई रहता है लो रहता है? हाई रहता है जी, हाई 170-180 पे पहुंच जाता है जी। आपकी एज क्या है? हाँ देखिए, ये ज़्यादा है, बहुत ख्याल रखिए अपना, और अपने जिस्म से चर्बी कम करिए, खून की चर्बी। आपको पता नहीं कि आप मोटे हैं या पतले हैं, लेकिन खून में चर्बी तो होती है इस उम्र में, और अक्सर हमारे दिल की जो रगें हैं, नसें हैं, नर्व हैं, उनमें चर्बी भर जाती है, जिसकी वजह से हमारा दिल जब खून को पंप करता है, दिल एक पंप है, तो उसे गाढ़ा खून मिलता है और फिर दिल की रगें भी ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं, तो वो गाढ़ी चीज़ फेंकने में या ब्लॉकेज की वजह से वो बहुत मेहनत करता है। और चर्बी कम करने के लिए कोई नुस्खा लें, लहसुन खाते हैं तो 5-6 लहसुन रोज़ खाया करें, मुझे भी खाने पड़ते हैं रोज़ाना, नाश्ते में मेरे सामने 5-6 लहसुन आ जाते हैं और मैं एक निवाले में एक चबा के खाता हूँ, फिर खाना खाता हूँ। तो एक बार मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था, बीपी बढ़ा था, उसके बाद कभी नहीं बढ़ा, ये आप भी शुरू कर सकते हैं। और इसको चर्बी को कम करने के लिए, बीपी को कंट्रोल करने के लिए, अगर 6-7 महीने जैतून का सिरका रोज़ाना
पानी में मिलाकर 3 छोटे चाय के चम्मच पिया जाए तो आपको इससे निजात मिल सकती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। नीलू शर्मकर हैं यूपी से, स्वागत है आपका नीलू जी। इसका पहले कोरोना पॉजिटिव आया था तो उसका बाद में एडमिट था गुजरात में, तो उधर से सही होकर आया घर। तो अभी मैं कुछ खाना पीना कुछ भी खाता हूँ तो ऐसा है शरीर पूरा पसीना पसीना हो जाता है और अंदर कुछ दम घूटता है ऐसा लगता है। एज क्या है आपकी? 34। लेना है इम्यूनिटी की दवाएं, इम्यूनिटी की दवाएं लेनी है और 3-4 खजूर रोजाना सुबह शाम खाया करें। अच्छे किस्म के खजूर चाहे तो दूध में उबाल के ले सकते हैं, खजूर ना मिले तो छुआरा दूध में उबाल कर रोज लिया करें। और एक दवा है इम्यूनिटी के लिए, वो रोगी हो या निरोगी हो, अगर रोज़ाना 1 या 2 खुराक ले लिया करें तो उनकी इम्यूनिटी ज़रूरत की मुताबिक होती है। माजून आर केयर, माजून आर केयर सुबह शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी से लें और 5 बार गर्म पानी पिएं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।